फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। कल की क्लास में हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली थी नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो आपने अगर वो लेक्चर अभी जाके नहीं देखा तो आप पहले वो देख लो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या कहा है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, दैट मीन्स आपको कोई रेशनल नंबर गिवन होगा पी बाय क्यू, ठीक है। तो आपको उसे किसमें कन्वर्ट करना है, आपको उसे डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल में आपको क्या करना है, आपको उसे चेंज करना है। ये हम बेसिकली आज के टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। आपको पी बाय क्यू फॉर्म में कोई रेशनल नंबर गिवन होगा, आपको उसे डेसिमल में बेसिकली चेंज करना होगा। और इसके रिलेटेड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं एग्जांपल लेती हूँ। 1/2 को आपको क्या करना है, आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे, ये 2 आएगा बाहर और अंदर आएगा 1। आप एक चीज बताओ, मैं 1 को 1.00000 लिख सकती हूँ? 1 को अगर मैं 1.00000 लिखूं तो क्या इसकी कोई सेहत पे असर पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है 1 किसके इक्वल है, 1.00000। इसकी वैल्यू होती क्या है, 1 ही तो होती है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अगेन 1 ही रहा, कोई और नंबर तो नहीं बना। तो अब देखो, अब क्या यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, क्या ये जाएगा? नहीं जा सकता, ये नंबर क्या है, बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। तो अब देखो, यहाँ पे 0 हमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 5s are क्या हो गया, 10। नीचे क्या आ गया, 0। हमारा डिवीजन क्या हो गई, खत्म हो गई। सो दैट मीन्स 1/2 को, 1/2 को डेसिमल में हम क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, 0.5। क्या लिखते हैं, 0.5। अच्छा, लेट सपोज करो मैंने दूसरा कोई रेशनल नंबर ले लिया, मैंने रेशनल नंबर लिया 1/4, ठीक है। अब 1/4 को सेम डिवाइड करते हैं, बाहर आएगा 4। 1 को मैं 1.00000 लिख सकती हूँ, कोई सेहत पे असर तो नहीं पड़ेगा। अब देखो, क्या डिवीजन पहले होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। जब पॉइंट लगा देंगे हमें 0 मिल जाएगी। तो आपको पता है ये किस पे जाएगा, 4 2s are 8, ठीक है। 10 में से 8 गया, क्या होता है, 2। नीचे 0 आ जाएगा। अब आपको पता है 4 5s are क्या होता है, 20 होता है। तो 20 में से 20 गया, क्या हो गया, 0 हो गया, डिवीजन आपका खत्म। तो 1/4 को हम डेसिमल में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 0.25। क्या लिखते हैं, 0.25। और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे करेंगे हम, ठीक है। अब देखो, लेट सपोज करो मैंने ले लिया 1/10 ले लिया। आपको पता है ये तो देखो, मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, चलो कर भी देती हूँ। यहाँ आएगा 10, 1 को 1.00000 लिख सकती हूँ। ये पहले डिवीजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर क्या है, छोटा है अंदर वाला और बाहर वाला बड़ा है। यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब चला जाएगा, आपको पता है 10 1s are क्या होता है, 10 होता है, डिवीजन क्या हो गया, खत्म। तो 1/10 को हम डेसिमल फॉर्म में क्या लिखते हैं, 0.1। क्या लिखते हैं, 0.1। आया इतना समझ, क्लियर हुआ आपको ये चीज? अच्छा, अब देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो मैंने ले लिया 1/3। आपको 1/3 को बताना है कि डेसिमल फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो, यहां क्या आएगा, बाहर आएगा 3, बाहर आएगा 3, अंदर क्या आएगा, 1। हम 1 को 1.00000 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब देखो, यहां नंबर बड़ा है, यहां नंबर छोटा है, डिवीजन नहीं हो सकता, तो मैंने लगा दिया पॉइंट। अब आपको पता है 3 3s are क्या होता है, 9 होता है। तो 10 में से 9 गया, क्या हो गया, 1 हो गया। अगेन मैं नीचे 0 लूंगी, अब किस पे जाएगा, 3 3s are 9। फिर क्या आ गया नीचे रिमाइंडर, फिर 1 आ गया। अगेन मैं 0 ले लूंगी, अगेन किस पे जाएगा, 3 3s are 9 पे जाएगा।
टेन में से नाइन गया अगेन क्या होगा वन, फिर से मैं नीचे जीरो ले लूंगी, अब किस पे जाएगा, थ्री थ्री अगेन नाइन। अब आप क्या देखोगे, आप कहोगे भाई ये तो चलता जा रहा है, बार बार रिमाइंडर क्या आए जा रहा है, बार बार रिमाइंडर वन आए जा रहा है, ये तो चलता जाएगा, यहाँ पे थ्री 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 ही तो आएगा, यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री 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 थ्री, ये बेसिकली इनफिनाइट तक चलता जाएगा, डिविजन कभी खत्म नहीं होगा, रिमाइंडर नीचे जीरो नहीं आएगा। तो वन बाई थ्री को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम इसको लिखने आने को, हम 1 by 3 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0.33333 सो ऑन सो। अब देखो जो नंबर भी ना बेसिकली क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, हम उसके आगे ऊपर क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। 0.3 बार का मतलब क्या है, ये 3 बेसिकली चलता जा रहा है इनफिनाइट तक। ठीक है, आपको समझ आया इतना, आया इतना समझ। अब एक और लेते हैं डिवीजन, फिर मैं इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगी, इसे लिख लो फिर मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट। कर दो इसको ना, कर देती हूँ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। ठीक है, देखिए अब मैं पूछती हूँ कि आप 22/7 को बेसिकली डिवाइड करो और मुझे बताओ कि इसको मैं डेसिमल में क्या लिख सकती हूँ। ठीक है, सो देखो यहाँ आएगा 7, अंदर आएगा 22, यस। अब 22 को मैं 22.00000 लिख सकती हूँ, इसकी कोई सेहत पैसा तो नहीं पड़ेगा, और जीरो लगा देती हूँ, है ना, और लगा देते हैं, इसकी कोई सेहत पैसा तो पड़ना नहीं, लगाते रहो। अब किस पे जाएगा, देखो आपको पता है यहाँ 7 है या 22 है, किस पे जाएगा, 7 3 21 21 22 में से 21 गया, यहाँ पे हो गया 1। अब क्या डिवीजन हो सकता है, नहीं होगा, तो हम यहाँ लगा लेंगे पॉइंट, पॉइंट लगेगी तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। अब किस पे जाएगा, 7 1 7, 10 में से 7 गया क्या होगा, 3, अगेन डिवीजन नहीं हो सकता, नीचे क्या आएगी, 0। 7 4 28, 10 में से 8 गया, अब क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर नीचे हम क्या लगा देंगे, 0। अब किस पे जाएगा, 7 2 14, 20 में से 14 गया कितना होता है, 6 होता है, अगेन डिवीजन नहीं हो सकता, नीचे क्या आ जाएगा, 0। अब किस पे जाएगा, 7 8 56, 60 में से 56 गया क्या होगा, 4 होगा, अगेन नीचे 0 लगा देते हैं क्योंकि डिवीजन नहीं होगा। अब किस पे जाएगा, 7 5 35, 10 में से 5 गया क्या होगा, 5। ठीक है, अगेन डिवीजन नहीं हो सकता, नीचे क्या आ जाएगा, अगेन 0। 7 7 49, 10 में से 9 गया क्या होगा, 1, फिर डिवीजन नहीं हो सकता, नीचे क्या आ जाएगा, अगेन 0। अभी किस पे जाएगा, 7 1 7, 10 में से 7 गया, 3 होगा, फिर अगेन नीचे क्या आ जाएगा, 0। अब क्या होगा, 7 4 28। अब आप एक चीज देखोगे, क्या चीज देखोगे, आप एक चीज देखोगे, क्या हो रहा था, 3.142857, फिर अगेन क्या आने लग गया, 14 आने लग गया, दैट मीन्स फिर आपकी क्या हो गई, रिपीटेशन फिर स्टार्ट हो गई। कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो 142857, इसके बाद अगेन यही नंबर देखो दोबारा से रिपीट कर रहा है, सो दैट मीन्स क्या होगा, ये भी चलता जाएगा, ये भी क्या होगा, चलता जाएगा, दैट मीन्स इस 4 के बाद क्या आएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर आएगा 7, फिर अगेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगेन आने लग जाएगा, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, ये ऐसे चलता जाएगा। सो दैट मींस आप क्या कहोगे, 22/7 को मैं डेसिमल में क्या लिख सकती हूँ, 3.142857, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार। बार का मतलब क्या होता है, यही नंबर दोबारा बार 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 रिपीट करता रहेगा। ठीक है, सो 22/7 को आपने क्या लिख दिया, 3.142857 के ऊपर बार।
आया समझ इतना आपको, आया समझ। अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, पहले इसे लिख लो फिर मैं आपको बताती हूँ। सो इतना समझ आ गया आपको, अब देखते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं। मैंने आपको अभी इससे पहले क्या बताया था, 1/2 को हम डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0.5। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25। यस, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1। ठीक है, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.3333, दैट मीन 0.3 बार। ठीक है, और 22/7 को क्या लिखेंगे, 3.142857 के ऊपर बार। अब इससे क्या चीज आपको पता चलती है, देखो अब इस डेसिमल को देखो, आप 0.5 को, इस डेसिमल से आपको क्या पता चल रहा है कि बेसिकली जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद नीचे रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसका मतलब यही था ना, जब मैंने बेसिकली डिवाइड किया था, जब मैंने 1/2 को हम डिवाइड कर रहे थे, तो क्या आंसर आ रहा था, यही तो आ रहा था, यहाँ था 0., यहाँ लग के 5 और ये 10 हो गया, नीचे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मतलब डिवीजन करने पर कुछ टाइम के बाद नीचे क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। हमारा डेसिमल कुछ देर के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। दैट मीन इसके बाद मुझे और कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, मेरा डेसिमल क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद नीचे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब भी जब आप डिवाइड करो, नीचे रिमाइंडर क्या आ जाए, कुछ वक्त के बाद 0 आ जाए, तो उस टाइप के डेसिमल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं इस टाइप के डेसिमल को, हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये देखो, यहां पे देखो, कुछ टाइम के बाद डेसिमल खत्म हो गया ना, 5 के बाद कुछ और तो नहीं आ रहा, नीचे रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया, खत्म हो गया ना। तो इस टाइप के डेसिमल को हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलरली इसको देखो, यहां क्या है, 1/4। 1/4 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, 0.25। अब ये भी देखो, कुछ टाइम के बाद हमारा डेसिमल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, कुछ चलता तो नहीं जा रहा, ये चलता तो नहीं जा रहा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ देर के बाद नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये चलता तो नहीं जा रहा ना। तो इस टाइप के डेसिमल को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ आ रहा है आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलरली यहां देखो, ये भी क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब आप डिवाइड करोगे, कुछ देर के बाद रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये यहां पे डेसिमल खत्म हो गया, आगे चलता तो नहीं जा रहा। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब हम देखो इसकी बात करते हैं, 1/3 की मैं बात करती हूं, इसको मैं हटा देती हूं, मैं बात करती हूँ 1/3। अब 1/3 के डेसिमल को देखो क्या आ रहा है, 0.333333 बस एक चलता जा रहा है। ये इसका जो डेसिमल है, ये 1/3 का जो डेसिमल फॉर्म है, वो बेसिकली चलती जा रही है ना, वो कहीं रुक तो नहीं रही, वो कहीं चलती जा रही है, रुक तो नहीं रही, और ये क्या है, रिपीटिंग है, ये रिपीट ही तो कर रहे थे वो नंबर, रिपीट 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 करे जा रहे हैं, और ये कहीं नहीं रुक रहा। तो इस टाइप के डेसिमल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी रुक नहीं रहा, ये कभी रुकेगा तो नहीं, ये चलता जाएगा ना, एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ, कि बेसिकली नंबर क्या कर रहे हैं, रिपीट तो कर रहे हैं, ये 3333 सब सेम ही तो नंबर है ना, कोई डिफरेंट तो नहीं आ रहा। तो इस टाइप के डेसिमल को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, जहां पे डेसिमल क्या हो, रुक ना रहा हो, बेसिकली चलता जा रहा हो आपका इनफिनाइट तक। ठीक है, तो इस टाइप के डेसिमल को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको देखो 22/7 को, इसका डेसिमल क्या आ रहा है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3.142857 के ऊपर बार। इस बार का क्या मतलब है, कि ये भी बेसिकली चलता जाता है, ये भी बेसिकली चलता जाता है, कहीं नहीं रुकेगा। क्या इसका रिमाइंडर कभी 0 आएगा, नहीं आएगा रिमाइंडर 0, ये बेसिकली चलता जाएगा। ठीक है, चलता जा रहा है, कभी नहीं रुक रहा। तो ये भी क्या है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है, ये क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल है। देखो नंबर कुछ देर के बाद नंबर रिपीट ही तो कर रहे हैं, 1477 142857 के बाद यही सेम नंबर ही तो आते जा रहे हैं, यही सेम नंबर ही तो आते जाएंगे, कोई डिफरेंट तो नहीं आएंगे। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। आज समझ आपको वो क्या थे जो जिसका बेसिकली रिमाइंडर कुछ टाइम के बाद क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जिनका डेसिमल कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस टाइप के डेसिमल को क्या कहते हैं, जहां पे बेसिकली चलता जाए वो कहीं ना रुके, उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। बेसिकली क्या हो, नंबर रिपीट करते जा रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब इसे लिख लो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, जो आपके रेशनल नंबर होते हैं, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो उनके डेसिमल होते हैं ना, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है, सिर्फ दो ही टाइप का होता है, या तो उनका डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल के मैंने एग्जांपल लिए 0.25, खत्म हो गया ना इनका डेसिमल, ये कहीं चलता तो नहीं जा रहा, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैंने ले लिया 0.5, ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैंने ले लिया 1.23, अब बताओ ये भी तो टर्मिनेटिंग ही है, 23 के बाद कुछ चलता तो नहीं जा रहा, खत्म हो गया ना 3 के बाद, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे मैं नॉन टर्मिनेटिंग में ला, मैंने लिया 0.666666666, ये चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, क्योंकि देखो चलता जा रहा है, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट करता जा रहा है 6 नंबर, तो ये क्या होगा, इसका एग्जांपल है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल में। जैसे आपने ले लिया 1.23, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे तो ये चलता जा रहा है, कहीं नहीं रुक रहा, और 23 यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट करता जा रहा है। तो अगर आपसे कोई भी पेपर में पूछे कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है, सो यू विल से डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। आप इसके एग्जांपल्स और चाहो तो दे सकते हो। सो आपका ये होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में टर्मिनेटिंग डेसिमल के दो एग्जांपल दोगे, सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल के भी दो एग्जांपल दोगे, दोनों के दो दो आप मुझे एग्जांपल देना, इनसे अलग कुछ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लास में ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, क्या देखेंगे कि आप बेसिकली बिना डिवाइड करे आप चुटकियों में कैसे बता दो कि ये बेसिकली डेसिमल, इसका रेशनल नंबर का डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आप बिना देखे, फिर देखो बिना देखे मैं बोल रही हूँ, बिना देखे नहीं, बिना डिवाइड करे आप एक सेकंड में कैसे बता दो कि ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है या नॉन टर्मिनेटिंग का है। इसकी जो एक्सरसाइज है ना, ये बेसिकली क्लास 10th की पूरी एक्सरसाइज है, लेकिन 9th में इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है आपको एनसीईआरटी में, तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।